हेलो एवरीवन कैसे हो आप सब ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सी ए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि जो मैंने अभी लास्ट वीडियो अपलोड करी थी ग्रुप टू की क्या एडिशन डिलीशंस हैं आई बी एस के स्टडी का एनालिसिस शेयर करा था तो उस वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं मेरे ऑलरेडी पेपर सिक्स में एग्जामेशन है एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर तो क्या मुझे इस बार आई बी एस के अंदर वो एग्जामेशन मिलेगी नहीं मिलेगी सो so, मुझे लगा इस बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी इस बारे में नहीं पता है इसका अपडेट नहीं है तो मैं आई का जो मेन नोटिफिकेशन है वहीं से आपके साथ नॉलेज शेयर करता हूँ और इस चैनल पे मैं आपके साथ हमेशा सारी रियलिस्टिक वीडियो शेयर करता हूँ सो विथ आई सी अपडेट विथ नोटिफिकेशन इस वीडियो में जो सबसे पहले मैं आपको मेन बात बता देता हूँ कि आपको एग्जामेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी सो सपोज जिन स्टूडेंट्स के ओल्ड स्कीम के अंदर या एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर एफ आर में एग्जमशन थी तो वो न्यू स्कीम में भी मिलेगी एस एफ एम में एग्जम्शन थी तो इस बार न्यू स्कीम में ए एफ एम में भी मिलेगी पेपर नंबर थ्री ऑडिट वाला उसमें भी न्यू स्कीम में आपको मिलेगी एग्जेशन अब कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज जो ओल्ड स्कीम या एग्जिस्टिंग स्कीम में था सो so, वो अब सेल्फ़ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल का पार्ट बन गया है तो आपको वहाँ से एग्जामिशन है पेपर नंबर फाइव जो एस का था वो भी सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल बन गया है तो वहाँ से आपको उसकी एग्जामिशन मिल जाएगी अब पेपर नंबर सिक्स इलेक्टिव पेपर लिखा है सो आपने कोई से भी इलेक्टिव दिया हो एग्जिस्टिंग स्कीम में रिस्क मैनेजमेंट जी एफ या फिर इकनॉमिक लॉज या फिर मल्टीडिसिप्लिनरी वाला अगर आपको किसी भी कोई सा भी सिलेक्शन था प्लस उसमें आपकी एग्जम्पन है तो एग्जिस्टिंग जो न्यू स्कीम है उसमें आपको इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन में आपको एग्जम्पन मिलेगी अब जो ओल्ड स्कीम में डीटी और आईडीटी के का पेपर था पेपर नंबर सेवन और एट और अगर आपके पास तब एग्जम्पन थी तो वो आपको न्यू स्कीम में भी एग्जिम्शन मिल जाएगी सो so, दे ये नोटिफिकेशन आई सी ए वेबसाइट से उठाया मैंने इसका मैं लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा मैंने आपके साथ ऑलरेडी ग्रुप वन ग्रुप टू की में क्या एडिशंस हुए हैं क्या डिलीशंस हुए हैं वो शेयर कर दिया है प्लस मैंने एक वीडियो भी शेयर करी है जिसमें स्टडी प्लान बताया मैंने मई ट्वेंटी फोर नवम्बर ट्वेंटी फोर के लिए वो आगे सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिन स्टूडेंट्स के बार बार अटेम्प्ट लग रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लस अगर आपकी कोचिंग पेंडिंग है तो उसी वीडियो में मैंने वो भी कवर करा है आपको ए बी सी कैटेगरी कब कैसे इस्तेमाल करनी है वो भी कवर करा है प्लस मैंने ये भी बताया कि आपको मॉक्स लिखने या नहीं वो भी मैंने कवर करा है सो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ जैन इन्फॉर्मेशन विथ आईसीआई नोटिफिकेशन अगर कुछ आएगा तो मैं उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन में और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मैं आपको दे देता हूँ हमेशा सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस बाय